ये मानपुर का एरिया है, काफी घनी आबादी है और काफी दूर तक है क्योंकि इंदौर से एकदम करीब है और मानपुर इंदौर का एक कस्बा है, बड़ा कस्बा। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से फतेहपुर। शाम हो चुकी है, सनसेट होने वाला है। साये लंबे तर हो चुके हैं, बहुत लंबे। हल्की फुल्की धूप नज़र आ रही है जो कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है क्योंकि सूरज छुपने वाला है। अभी भी मानपुर की आबादी नज़र आ रही है। और धीरे धीरे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। शाम को 5:30 बज चुके हैं। 12 घंटा होने वाला है। 30 मिनट के बाद घर से निकलकर गाड़ी चलाते हुए 12 घंटा हो जाएंगे। 11:30 घंटा हो चुके हैं।
5:42 हो चुके हैं और इंदौर में आज सनसेट 5:42 पे था, यानी सनसेट हो चुका है, यानी सूरज ग़ुरूब हो चुका है। अब रात बहुत ही तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ना शुरू होगी, बल्कि शुरू हो चुकी है।
शायद कैश बंद हो गया ना। नहीं, डबल कैश दे के जा सकते। हाँ वही, ये वही है जो मामी दी थी। अच्छा, तुम ले लिए थे क्या? क्या बात है, इतना टाइम लग गया है। ये सोनवे टोल प्लाजा है इंदौर सिटी से। पहले जो टोल प्लाजा मिलता है ये वही है। चार्जेस हैं 3500 रुपये। नाम है सोनवे टोल प्लाजा, सिर्फ 3500 रुपये, ओनली 35 रुपीज। लेट तो कब हो गया है ना, देखो पौने 6 बजे आना चाहिए था। अभी इंदौर क्रॉस करने में भी टाइम लगेगा। हाँ, आधा घंटा लेट है। इस सर्कल में 3 एग्जिट हैं। थर्ड एग्जिट जाता है देवास की तरफ, 2 एग्जिट हैं इंदौर सिटी के अंदर। यहाँ पर अच्छे अच्छों से गलती होती है, मुझसे भी कई बार गलती हुई है, कई बार नहीं एक बार गलती हुई, लेकिन कंफ्यूजिंग हमेशा होती है। इस बार गूगल ने अपनी लैंग्वेज ही बदल दिया। पहले गूगल का कहना होता था सीधा चलते रहें, जबकि सीधा हम जाएंगे तो सिटी के अंदर कुछ जाते थे, और गूगल का सीधा होता था राइट। यही वजह है कि गलती होती थी, अब गूगल ने अपनी लैंग्वेज बदल दिया है। थर्ड एग्जिट, चलो ये अच्छा हुआ। दिन दहाड़े सरे शाम इंदौर पहुंच गए, लेट नहीं हुए अपने टाइम से। गूगल के टाइम से तो बेफोर चल रहा हूँ। अब शुरू होता है इंदौर बाईपास, ये काफ़ी लंबा है।
ये बाईपास है, इंदौर का बाईपास अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और रात कितनी तेज़ी से बढ़ती हुई पूरी तरह से छा चुकी है और अंधेरा कंप्लीट फैल चुका है, यानी रात हो चुकी है। गाड़ी चलाते हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, स्टॉप ले लेके चलाया हूँ। अब इसके आगे का सफ़र आप देखेंगे अगले वीडियो में।